नमस्कार, मैं कृति, आप देख रहे हैं NBC 24। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त दिए जाने से पहले सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस योजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी मुहैया होगा और लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। शनिवार को यूपी के बलरामपुर में एक रैली के दौरान पीएम ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का अवगाहन किया और बोले कि इससे न केवल पानी बचने में मदद मिलेगी बल्कि बेहतर फसल भी पैदा होगी। पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों में धन स्वयं और संसाधनों के कथित दुरुपयोग पर दुख जताते हुए कहा कि सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना की लागत 50 साल पहले 100 करोड़ से भी कम थी, लेकिन इसे पूरा होने के समय इसकी लागत बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकाना पड़ा। अगर किसानों को सिंचाई का पानी मिलना पहले मिल जाता तो वह सोना पैदा करते और देश का खजाना भर देते। आपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा बेहतर कर पाते। बकौली मोदी, सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होते हैं। उन्होंने कहा कि घाघरा, सरयू, राबती, वान गंगा और रोहिणी की जल रिक्ति अब इस क्षेत्र में समुद्र का नया दौर लेकर आने वाली है। वहीं सीएम योगी बोले कि पीएम मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना को पूरा कराने का जो सपना देखा था उससे अटल जी के नदी जोड़ने का सपना भी साकार हो रहा है। सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना के जरिए दमदार रावती, सरयू, वान गंगा और रोहिणी को जोड़ा जा सकता है। इससे श्रवस्ती, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों की जनपदों की लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में लाभ मिलेंगे। सरयू नहर राष्ट्रपति परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, रावती, वान गंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुच्चय उपयोग अनुचित हो सके। ऐसी और भी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे NBC 24।